फिर और थोड़े दिन होने के बाद पिताजी शिवरात्रि के टाइम में लेके आए थे तब फर्स्ट टाइम हमने स्वामी का विभूति अभिषेक शिरडी बाबा के मूर्ति के ऊपर विभूति का अभिषेक करते थे वो मैंने फर्स्ट टाइम तब देखा था अरे इतना विभूति कहाँ से आ रहा है इतना विभूति और स्वामी हाथ हिलाया जा रहे हिलाए जा रहे और इतना विग्रस ये और विभूति आए जाए इतना विभूति इतना विभूति कि बहुत ही आश्चर्य चकित हो गए एकदम विभूति अभिषेक शिवरात्रि के टाइम में तब देखने का सौभाग्य एक दिन हमको कस्तुरी जी से टेलीग्राम आया पिताजी के नाम पे क्या टेलीग्राम था कि दोनों बेटे को लेके स्वामी जने कर रहे हैं मां सुपने ना तो स्वामी ने बोला है कि ब्रह्मेश्वर राव को टेलीग्राम भेजो कि लड़के लोग को लेके आ जाएंगे सो so, घर में इतना एक्साइटमेंट और कभी हम लोग ने विदाउट रिजर्वेशन जबलपुर से पुटपर्ती कभी नहीं गए थे बट यहाँ पे क्या था हम लोग को तीन दिन में स्टार्ट करना था और फिर स्कूल में जाके छुट्टियाँ के लिए बोलना पड़ता था मिडल ऑफ द ईयर था तो तब अब इनके लिए जन था घर के भाई लोग के लिए कपड़े नए कपड़े रहना चाहिए फिर माँ ने बोली अरे धोती रहना चाहिए पिताजी बोले नहीं शर्ट पैंट बना दो अभी अभी जल्दी में धोती वहीं ले लेंगे। ऐसे करके फिर कैसे सो इतना सुंदर जैसे बनाया था अभी जहाँ पे गणेश जी हैं तो उसके उस तरफ इस प्रशांति के वो ब्लॉक जहाँ पे लॉर्ड सुब्रमण्यम का मूर्ति है तो वहां पे ये स्थल बनाया था और स्वामी ने सामूहिक उपनयन फंक्शन रखा था सब वो लोग के लिए सब छोटे छोटे नौ साल सात साल नौ साल ग्यारह साल तो स्वामी ने ही उनको धोती और सजा के दे फिर वो पंचपात्र जो बोलते हैं सो वो सब दे के बच्चे लोग को फिर इसमें एक मात्र मातृभिक्षा का एक संप्रदाय रहता है सो सब तब सब माताओं लोग को मंदिर में बिठा के फिर स्वामी ने वो मातृ भिक्षा बोलते हैं कि क्या तो वो स्वामी ने किया ऐसा हुआ करता था कि हम साल में एक ही बार आते थे तो हाँ स्वामी के चरण स्पर्श होने के बाद उनसे जरूर मिलते थे और दोनों जन का आशीर्वाद लेते थे, थे स्वामी की माँ ईश्वर माँ माँ तो इतनी इतनी सिंपल और इतनी दयापुर उनका स्वभाव रहता था तो हमेशा उनका आशीर्वाद लिए बिना तो कभी नहीं जाते थे बट एक बार ये याद है कि मेरी नानी ने स्वामी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। तो वो पहुंचाना चाहती थी स्वामी को तो शायद कुछ लोग डिफोटिस को मालूम होगा कि स्वामी का इंटरव्यू रूम है उसके ऑपोजिट साइड ऊपर स्वामी खाना खाने के लिए आते थे तो वहां पे तो ईश्वर माँ ने बोला कि नहीं तुम्हें आज के स्वामी को दे दो करके मेरी नानी को बताया तो क्या बनाया था मेरी नानी ने सिंपल सा एक उपमा थोड़ा खाजू वाजू डाल के मटर वटर डाल ऐसे छोटे से डब्बे में स्वामी खाते भी बहुत कम थे छोटे से डब्बे में वो डब्बिया अभी भी रखी है माँ यादगार में तो वो अक्सर ले ले जा लेके ले जाती थी ब्रेकफास्ट बट जब हम लोग आते थे, थे साल में एक बार तब फिर क्या की भी देखा नहीं मैं कि मेरे को लेके गई मैं छोटी थी काफी छोटी थी चार पांच साल के करीब सो so, फिर सीढ़िया ऊपर परमिशन मिलने से ही ऊपर सीढ़िया चढ़ के जा सकते हैं तो स्वामी खाना खा रहे हैं तो उसके बाहर बैठते थे सो so, इतना मींस माँ ईश्वर अम्मा का इतना करना रहता था कि वही स्वामी को परोसती थी और और सा करके और एक आंकी करती थी, थी वो परोसते थे तो ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते थे बट उन्होंने इतने प्रेम से मेरी नानी से डब्बा लेके स्वामी को बताया तो स्वामी खा के उसमें प्रसाद रखे फिर तो मेरे को इतना याद है कि मैं ऊपर कमरे तक गई हूँ और स्वामी के बातें सुन सकते थे ऐसे करके। और उसी के नीचे और एक कमरा है ना इंटरव्यू रूम के एकदम ऑपोजिट सो वहां पे स्वामी को पाद पूजा करते थे सो so, वो करने का मेरे को याद है मान है दो बार करीब किया होगा मेरे को जितना याद है तो so, मीन्स uh, uh, उसके लिए आपको स्वामी परमिशन दिया uh, uh, करते थे तो so, फिर नेक्स्ट डे आके स्वामी वो कमरे में आके सिंहासन में बैठ के फिर एक थाली डाल के उसमें स्वामी के पाद रखे स्वामी के पाद को धो के ये करके साफ करके वो टबल्स के चरण जी हैं ऐसे करके स्वामी का वो पाद स्वामी के चरणों को पूजा करके स्वामी की आरती उतार के वो भी एक दो दृश्य याद में आते हैं बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं था कि हम स्वामी हमको से पास लाएंगे करके तो जैसे आपने बताया कि हमारा स्कूल कॉलेज सब कुछ जबलपुर में ही हुआ और उन दिनों में ग्यारहवीं क्लास ही रहती थी बारहवीं क्लास नहीं रहती थी तो हम एक साल पहले ही आजकल के जमाने में पहले हो गए और बी एस सी मैंने सेंट्रल ऑइशियस कॉलेज से किया और एम एस सी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सो सेवेंटी वन की बात है जब हमारा था कब कब हम जाए करके बट अब बच्चे लोग के साथ मुश्किल भी होता था बट तब तक हम लोग थोड़े बड़े हो गए थे तो सेवेंटी वन में फिर पिताजी से जिक्र करी कि ऐसे एक कृष्णमूर्ति मामी है उनको जाना है और वो मेरे को बुला रही है <laughs> तो मैं भी जाके आऊँ करके बहुत सोच में थी क्योंकि मेरा एम एस सी फाइनल एग्जाम हो रहा था फिर पिताजी ने बोला ठीक है रानी जाओ बोलेगी तो तुम चले जाओ क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ी थी तो फिर मैं बोली अम्मा आप चले जाओ क्योंकि मेरे को एक ही एग्जाम बता है एक ही पेपर और उन दिनों में जब जबलपुर में बहुत स्ट्राइक हुआ करते थे तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते थे हमने कहा मैं ये पेपर तो मैंने सात बार पढ़ा है सात बार हॉल तक जाके वापस आए हैं तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो अम्मा चिंता मत करो जाके आ जाओ मैं संभाल लूंगी मेरे पीछे चार दो भाई दो बहन फिर पिताजी भी बोले हाँ हाँ जाके आ जाओ लेंगे हम लोग तो माँ और उनकी दो फ्रेंड्स लोग मिल के आए So, तो पार्टी आए तो देखते हैं कि सब लोग अनंतपुर जा रहे हैं सब लोग अनंतपुर फिर स्वामी ने इनसे बोला कि तुम लोग भी अनंतपुर जाओ वहाँ पे कॉलेज बन रहा है कॉलेज मैं 8 जुलाई को खुलने वाला हूँ मैं भी वहाँ आऊंगा करके ये लोग अनंतपुर आ गए अनंतपुर उन दिनों में काफी छोटा टाउन था फिर हां अकोमोडेशन कहां फिर बहुत लोग आपस में फुटफुटी सो एक दूसरे से पूछकर एक छोटा कमरा मिल गया वहां रह के फिर सब लोग कॉलेज जाते थे सेवा करने के लिए क्या सेवा कुछ लोग सफाई की काम करते थे कुछ लोग फूल माला बनाने में सेवा करते थे कुछ लोग चावल बुनने में ऐसे करके डिफरेंट तो ऐसे कर रहे थे और फिर आया आठ जुलाई का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन so, सो उस दिन बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन मेरी माँ बोलती रे आश्चर्यचकित हो गए क्यों स्वामी ठीक स्वामी तो करेंगे बट किसको बुलाया स्वामी ने प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री श्री वीवी जी को बुलाया उनकी भारिया भी थी उनके साथ और भी मिनिस्टर्स थे और साई गीता को पटुपर्दी से अनुपुर लेके गए थे स्वामी तो ये सब डिस्क्राइब करते हुए उस दिन सब लोग को बहुत बड़ा शामियान है तो सब दी होती है उसमें बैठ के भगवान है अनूपपुर कॉलेज का इनग्रेशन मेन कॉलेज का हॉस्टल का मिसेज वीवी गिरी ने कहा स्वामी ने भाषण दिया वो सब कार्यक्रम वो सब फिर मेरी माँ के मन में एक छोटी सी विश बोलना चाहिए कि अरे रानी का तो एम एस हो जा रहा है तो वो स्वामी के कॉलेज में स्वामी उसको तो ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो गई करके एक मन में उन्होंने एक विश प्रकट किया और बस उससे फिर बाद में सब फेस्टिवल होने के बाद वापस पुटपति आके फिर घर वापस आ गए फिर सब लोग को बताने लगे कैसा हुआ गुरु पूर्णिमा के इतने में मेरा एग्जाम भी हो गया फिर फिर मेरे पिताजी से बोली कि रानी को यदि वहाँ पे एम के बाद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा ना ऐसे करके मेरे पिताजी बोले हाँ स्वामी की मुझे इन तब की बात है कि मैंने आईआईटी कानपुर में बी के लिए इंटरव्यू देके के भी आई थी और आ, आ, सो वो चल रहा था और आ, मेरे को बहुत यह था कि मैं भाभा एटॉमिक सें, रिसर्च सेंटर में काम करूँ करके एक मन में एक जिज्ञासा थी क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा कुछ तो थोड़े बड़े बड़े ख्वाब थे मेरे <laughs> यहाँ वहाँ जाना है ऐसे करके फिर ऐसे बोला कि देखो रानी तुम्हारा हो गया ना एग्जाम अब रिजल्ट आने तक तो रुकना पड़ेगा बट रिजल्ट आने के बाद तुम स्वामी के कॉलेज में एक एप्लीकेशन डालने से अच्छा रहेगा करके बोले से अच्छा माँ ठीक है करके एक एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल को भेज दी ऐसे फिर आ, आ, कुछ एक दो महीने बाद टेलीग्राम आया उन दिनों में प्रिंसिपल थी मिस मुखर्जी जो उनसे टेलीपां टेलीग्राम आया कम ही मीडियली और शायद रिजल्ट रिजल्ट आज के शायद एक महीना भी नहीं हुआ था तो मेरे को थोड़ा सा गैप था दो तीन महीने का गैप तो मैं मेरे स्कूल में जाके फिजिक्स पढ़ाने लगी थी और मैथ्स पढ़ाने लगी थी तो कोई नहीं था करके तो फिर अभी मेरे को टेलीग्राम आया और वो बोले कम इमीडिएटली स्कूल में जाके बताई मैंने बोले कैसे छोड़ के जा सकती हो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में पढ़ी थी मैं बोले ऐसे कैसे तुम सडनली छोड़ के जा सकती अब मैं कहा नहीं मैडम ये तो पोस्ट है ना ऐसे वैसे करके कुछ तो बोल के निकल के एकदम से फिर मुझे निकलना पड़ा और घर से पहली बार मीन्स तब तक हम पांच भाई बहन कभी कहीं नहीं पेरेंट्स को छोड़ के गए थे आ, सो पहली बार मेरे को जबलपुर से आना पड़ा सो तब का महीना था सो ये मींस इट कोई सडनली चली गई थी हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो ये एप्लीकेशन देखे प्रिंसिपल ने मेरे को टेलीग्राम दिया तो मैं फेबर मेरे ख्याल से फोर्थ February 4th, 1972. ऐसा ज्वाइन हुई ज्वाइन होने के बाद फिर मालूम चला ये तो अभी सिर्फ टेम्प्ररी है तो हमको सेलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देना पड़ेगा मेरी जांच की जाएगी मैं कितना तक लेक्चरर का काम कर सकती हूँ मेरे को कितना फिजिक्स आता है तो ये सब का इंटरव्यू जुलाई में रखा था तो प्रिंसिपल ने बोला तुमको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मल और तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा और तुम हिंदू में सेलेक्ट होगी तभी तुमको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं सो so, हाँ चलो ठीक है फ़रवरी में पढ़ा लिया मार्च हो गया अप्रैल फिर मई में, में समर कोर्स था फर्स्ट समर कोर्स 1972 फर्स्ट समर सो so, समर कोर्स में भी जा अटेंड कर पाई और इस बीच में क्या होता था कि सब लोग के साथ प्रिंसिपल के साथ हमारे कलीग्स के साथ पुटभर्ती जाया करती थी आया करती थी बट uh, स्वामी मेरे को कभी पर्टिकुलर से रिकग्नाइज नहीं किए मींस हाँ तुम आ गई हो क्या करके मेरे को हमेशा लगता था स्वामी ऐसे बोलना चाहिए करके ऑफ कोर्स मेरे तरफ से मैं भी बोल सकती थी स्वामी स्वामी मैं आ गई हूँ मैं ज्वाइन हो गई हूँ बट नहीं मालूम मेरे मन में ऐसा कभी मेरे को लगता था स्वामी मुझे पहचानना चाहिए उस टाइप का ये था मेरे मन में तो फेबर हो गया मार्च हो गया फिर मेरे को दुख लगने है क्यों स्वामी मेरे को से बात क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं पहचान रहे हैं ऐसे करके फिर समर कोर्स भी पूरा हो गया समर कोर्स एक महना थे स्वामी के साथ हाथ में लड्डू देते थे आम देते थे बट कभी कुछ बोला नहीं स्वामी ने तो और भी दुख होता था कि स्वामी इतना पास जाते हैं इतना ये करते हैं फिर भी स्वामी बात नहीं करते फिर पिताजी को भी चिट्ठी लिखती थी कि देखो स्वामी नहीं पहचान रहे हैं मेरे को आप एक बार आपके स्वामी को बता दो ऐसे करके चिट्ठियां लिखती थी फिर समर को सोने के बाद जबलपुर जाना था हॉलीडेज के लिए तब बहुत लोग जब थर्टी को कोर्स हो गया बहुत लोग चले गए थे सिर्फ डे मॉर्निंग के लिए तो ग्रुप में मुन्नी आंटी जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो भी दिल्ली से आई हुई थी तब मीन्स हम लोग सब छोटे छोटे थे यंग अडल्ट बोलना चाहिए इवन हॉस्टल वन आंटी वो भी जबलपुर से अपनी दो बेटियों को जबलपुर से नहीं दिल्ली से दो बेटियों को वो भी लेके आई थी हम लोग सब बैठे हुए थे और स्वामी ने बुला लिया था अंदर तब त्रय पुराना बिल्डिंग था तो स्वामी अंदर बुला लिया और हम लोग सब लोग इतना रो रहे थे कि स्वामी को छोड़ के जाना है स्वामी को छोड़ के जाना है कि बहुत एक को देख के एक आंसू आ जा रहे थे सबके आंखों में फिर स्वामी आए बैठे खूब प्यार से बोले कि नहीं नहीं जाके छुट्टियां करके आओ ऐसे करके खूब अच्छे से बात बात हाँ करके फिर एक वन में इतने गड्ढी निकाले और कार्ड में स्वामी का एक तरफ फोटो तो और स्वामी का एड्रेस और स्वामी बोले देखो मैं हूँ तुम लोग के साथ मेरा एड्रेस भी है यहाँ पे करके एक एक करके स्वामी बांटने लगे मेरे को भी स्वामी दिए और एग्जैक्टली exactly जितने लोग थे नंबर exactly क्रिएट करके आ, स्वामी स्वामी फिर भी मेरे से कुछ बात नहीं की है स्वामी ने बहुत दुख हुआ वह आंखें आंसू स्वामी बात नहीं किए मैं जबलपुर जा रही हूँ एक महीना समर को उसमें इतना प्यार सामूहिक प्यार दिया ऐसे करके चलो स्वामी से विद्या जबलपुर पहुंचे जबलपुर पर हम थे साथ ये वाला स्वामी का क्रिएट किया हुआ आ, सब माँ पिताजी सब लोग को बता के फिर मैं पिताजी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोली नहीं इस टाइम आप मेरे साथ जरूर चलो और स्वामी को बताओ कि मैं आई हूँ मैं ज्वाइन हुई हूँ ऐसे करके खूब नहीं नहीं पिताजी बोले नहीं माँ बोले नहीं स्वामी को सब मालूम है तुमको बोलना था ना कि मैं आई हूँ हमने कहा नहीं बोलेंगे स्वामी को ऐसे सो so, इतने में क्या हुआ कि एक हमारे जबलपुर का एक लड़का वृंदावन कैंपस में पढ़ता था 72 की बात है तो नेक्स्ट डे उसकी भी छुट्टियां थी वो भी समकोर से वापस आया था तो घर आया और मेरे को अक्का अक्का करके बुलाते हैं तो हाँ अक्का भी हाई होगी करके पिताजी से मिलने के लिए वो आया और वृंदावन कैंपस में वो बी कॉम करता था उसका नाम प्रभाकर है तो उसने यहाँ फिर चर्चा हुई स्वामी के बारे में समझ कर उसके फिर हमने बोला कि आपका मालूम है आपको एक बार स्वामी ने आपका जिक्र किया हमने कहा हाँ मेरे साथ तो कभी कुछ बोला नहीं तो क्या क्या बोले कि नहीं मैं ऊपर गया था स्वामी का कमरे क्लीन करने के लिए तो नीचे आ रहा था तो स्वामी ऊपर रहे थे और स्वामी ने मेरे से पूछा तुम कहाँ के हो तो मैंने बोला जबलपुर का तो फिर स्वामी बोले हाँ हाँ वो सी बी राव जा रहे वो भ्रमरेश्वर राव के जगह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ना तब पिताजी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे समिति के तो बोले हाँ हाँ स्वामी उन्हीं के जगह से जबलपुर से सो फिर स्वामी बोले हाँ उनकी बेटी भी है अनंतपुर कॉलेज में आ, वहां पे आनंदपुर कॉलेज में उसने पढ़ाई की और अभी लेक्चरर है ऐसे करके स्वामी ने उससे प्रभाकर से बोला अब प्रभाकर को मालूम था कि मैं स्वामी के कॉलेज में पढ़ी हूँ पूरा बी एस सी और एमएससी जबलपुर में करे तो उसने बोला स्वामी वो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ी है बट हाँ अभी पढ़ा रही स्वामी बोले नहीं नहीं वो मेरे कॉलेज में पढ़ी है और मेरे कॉलेज में पढ़ा रही है सेकेंड टाइम प्रभाकर ने बोला की बहुत जोर था कि हम तो जबलपुर में ही पढ़े तो उसने बोला नहीं स्वामी वो दीदी जबलपुर में पढ़ी है फिर भी स्वामी बोले नहीं वो हमारे कॉलेज में पढ़ी है और हमारे कॉलेज में पढ़ा रही अब स्वामी से कौन तो नहीं कर सकते नहीं करके वो प्रभाकर में हाथ जोड़ के ठीक है स्वामी करके फिर स्वामी ने बोली मालूम है उनकी माँ पंद्रह साल थी तब से हमारे पास आ रही है गिरझमा और उनकी नानी नंचम्मा और उन, मेरी नानी और माँ के बारे में आ, कुछ कुछ बातें बता के फिर प्रभाकर को अब जब प्रभाकर से मैंने ये बातें सुनी तो फिर मैं और रोक नहीं पाई हमने क्या क्या खेल खेलते हो स्वामी आप मेरे से नहीं बात करके आप प्रभाकर को बताते हैं ऐसा ऐसा तो एक तरफ से बहुत खुश हो गई थी एक तरफ से रोना रहता कि क्यों स्वामी बात बट अंत में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि स्वामी क्यों बोले कि मैं स्वामी के कॉलेज में पढ़ी हूँ कि ऐसा लगा मेरे को कि स्वामी ने इसलिए बोला कि मैं स्वामी के कॉलेज में पढ़ी क्या पता स्वामी ने कुछ सालों के बाद ये मेरी स्टूडेंट बनेगी ऐसा भी विचार मेरे प्रकार स्वामी बोले मेरे प्रकार ये लड़के से शादी करने से अपनी बेटी अपने पास रहेगी